नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। गत रोज राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वर्ष 2023-2024 के लिए अपनी सरकार का बजट पेश करते हुए अमरावती के श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल को अभिमत क्रीड़ा विद्यापीठ का दर्जा दिए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल को एक नई पहचान मिलने का रास्ता खुल गया है। क्रीड़ा क्षेत्र में अपने योगदान के लिए देश सहित समूची दुनिया में विख्यात रहने वाले हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने खुद को क्रीड़ा विद्यापीठ के तौर पर मान्यता मिलने और क्रीड़ा संबंधी 6 पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति मिलने हेतु सरकार के सामने प्रस्ताव पेश किया था, जिसके लिए हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने खुद के लिए अंबादास पंत वैद्य यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट का नाम प्रस्तावित किया था। चूंकि अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल को अभिमत विद्यापीठ का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है, ऐसे में अब हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का नया नाम अंबादास पंत वैद्य डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट होगा। वहीं राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद अब यह प्रस्ताव मान्यता के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास जाएगा और UGC की मान्यता मिलते ही हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का नाम बदल जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 1 साल का समय लगने की संभावना है। वहीं इस दौरान हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में क्रीड़ा विद्यापीठ संबंधी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार से 100 करोड़ रुपए का अनुदान मांगा गया है। गत रोज राज्य सरकार का बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शासकीय ज्ञान विज्ञान संस्था यानी विदर्भ महाविद्यालय को बजट में काफी भारी भरकम फंड आवंटित करने की घोषणा की, जिसे लेकर हर्ष जताते हुए संस्था की संचालिका अंजलि देशमुख द्वारा बताया गया कि यह संस्था का शताब्दी वर्ष है और शताब्दी समारोह में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आमंत्रित करने तथा संस्था के कुछ विभागों का अपग्रेडेशन करने हेतु वे डिप्टी सीएम फडणवीस से मिलने गए थे और उनके समक्ष संस्था के स्मार्ट क्लास विद्यार्थी सुविधा केंद्र व हॉस्टल निर्माण के लिए 180 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे फडणवीस ने राज्य के बजट में स्वीकृति दी है। जिसके लिए डॉक्टर अंजलि देशमुख ने विद्यार्थी हितों को देखते हुए बजट में संस्था के लिए प्रावधान करने पर डिप्टी सीएम फडणवीस के प्रति आभार भी व्यक्त किया। इसके अलावा गत रोज बजट प्रस्तुत करते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती में प्रस्तावित सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए भी 50 करोड़ रुपए की निधि आवंटित करने की घोषणा की। ऐसे में विगत अनेक वर्षों से सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग को पूर्ण करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और लगातार प्रयास करने वाले भाजपा के शरदश किरण पातुरकर ने कहा कि अमरावती में साधन व सुविधाएं उपलब्ध होने से डीन व स्टाफ की नियुक्ति के साथ यानी वर्ष 2023-2024 के अकादमिक वर्ष में महाविद्यालय सहज आरंभ किया जा सकता है, जिसके लिए आज भी प्रयासशील हैं। उप मुख्यमंत्री के हालिया अमरावती दौरे में इस विषय पर बातचीत हुई है। अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेज की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजापेट स्थित पार्टी कार्यालय पर जोरदार जश्न मनाया और सभी को जलेबी बांटकर आनंद व्यक्त किया। इस समय जमकर आतिशबाजी करते हुए पार्टी के शहराध्यक्ष व मेडिकल कॉलेज के लिए सतत प्रयास करने वाले किरण पातुरकर का सभी पदाधिकारियों ने अभिनंदन भी किया। देवेंद्र फडणवीस साहेबांना धन्यवाद देतो आहे, शिंदे फडणवीस सरकारला धन्यवाद देतो आहे। या त्यातलं विशेष जे आहे की गेले 6 वर्ष झाले माझ्या नेतृत्वामध्ये कृती समिती शासकीय मेडिकल कॉलेजसाठी संघर्ष करून आली होती, ते शासकीय मेडिकल कॉलेज आज अमरावतीला मंजूर झालं। याच वर्षी ते मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये चालू व्हावं यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहे। इसके साथ ही MIDC इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष व भाजपा शरदश किरण पातुरकर का गुरुवार की शाम पुष्पगुच्छ व शाल श्रीफल देकर अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति दिलवाने हेतु अभिनंदन किया। राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर वायरल समय सारणी का अवलंब करने की गलती विद्यार्थियों ने की है। विद्यार्थियों को सोशल मीडिया पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। कई विद्यार्थियों का सोशल मीडिया पर भरोसा करने की वजह से पर्चा चूक गया, जिससे वे और उनके अभिभावक चिंतित हैं, लेकिन बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे वायरल टाइम टेबल पर भरोसा करना गलत है। बता दें कि SSC बोर्ड का एक पर्चा 8 मार्च को था, परंतु माध्यमों पर इसकी तारीख 9 मार्च बता दी गई थी, जिसके फलस्वरूप कई विद्यार्थी यह पर्चा देने से चूक गए। बजट सत्र दौरान आज विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुपरवाइजर व स्वास्थ्य सेविका के केवल एक एक पद रहने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन दोनों पदों पर कार्यरत रहने वाले व्यक्तियों की ड्यूटी पूरे 24 घंटे की रहती है। ऐसे में केवल एक व्यक्ति इतने लंबे समय तक अपनी ड्यूटी नहीं कर सकता, अतः कम से कम 2 सुपरवाइजर व 2 स्वास्थ्य सेवकों की नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि प्रभावी रूप से काम हो सके। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों सहित कोविड काल के दौरान सेवा प्रदान करने वाली आशा
सेविकाओं व आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदंड भी बढ़ाया जाना चाहिए, जिस पर सकारात्मक जवाब देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि समूचे राज्य में स्वास्थ्य महकमे के 10,500 पदों की पद भर्ती प्रलंबित है, जिसके लिए 5,00,000 से अधिक आवेदन मिले हैं और बहुत जल्द ही इन पदों पर पद भर्ती करनी शुरू की जाएगी। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों व आशा सेविकाओं का मानदंड बढ़ाए जाने को लेकर भी सकारात्मक रुख दर्शाया। 30-35 गाँव मध्ये एक आरोग्य सेविका एकच 24 घंटे कशी काम करेल आणि सुपरवायझर म्हणून आरोग्य प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये 24 घंटे कसं काम करेल, त्या संदर्भात अध्यक्ष माझी विनंती आहे मंत्री मोदींना, ते पद किमान 2 असावी जेणेकरून सप्लिमेंटरी ते काम करतील आणि त्या ठिकाणी चांगली सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये ते देतील। दुसरा अध्यक्ष मोदय, या ठिकाणी आरोग्य सेवक म्हणून जेव्हा काम करतात अध्यक्ष मोदय, तेव्हा त्यांना वाहन भत्ता जो आहे 1,500 मिळते, त्या ठिकाणी तो 3,000 रुपये करणार का? तिसरा अध्यक्ष महोदय, कोरोनाच्या काळामध्ये ज्या अध्यक्ष महोदय कुटुंबांनी खऱ्या अर्थानं मोठ्या प्रमाणात काम केलं, त्या आरोग्य सेविकांनी जे रात्रंदिवस सेवा दिली, त्याचा वेतन भत्ता वाढवणार का? त्या संदर्भात अध्यक्ष माझी विनंती आहे। आणि 2019 शासनाने ऍड काढली होती भरती संदर्भात, त्या संदर्भात किती भरती केली आणि किती पद खाली आहे त्या संदर्भात सविस्तर माहिती। वेतन देणार का? पण असे कुठे सेवा भरती नियमामध्ये अशी कुठली तरतूद त्या ठिकाणी नाही आहे। खरं म्हणजे आपलं ते काम आहेच, सेवेचं काम आहे, आरोग्य सेवेचं काम आहे, त्या बाबतीत चांगलं काम आपण केलेलं आहे, पण तू या बाबतीमध्ये असं कुठेही मग सगळे डॉक्टर म्हणतील, स्टाफ मागे असेल, कर्मचारी आरोग्य म्हणतील, नगरपालिकेचे कर्मचारी म्हणतील, मला वाटतं असं कुठेही नियमामध्ये त्या ठिकाणी नाही आहे आणि म्हणून तसा विचार आपल्याला या ठिकाणी करता येणार नाही। आपण जे म्हटलं की 15-20 गावं असतात, हे खरं आहे, 20-20 गावं आहेत, 25-25 गावं आहेत आणि आपलं तिथे स्टाफ कमी आहे, परंतु सेवा भरतीचे नियम आहेत आणि जे केंद्र सरकारच्या सूची आहेत त्याप्रमाणे मला असं वाटतं आपल्याला त्याप्रमाणेच तो स्टाफ देता येतो। पण तरी आता वाढती लोकसंख्या, गावांची लोकसंख्या वाढत चाललेली आहे आणि हे जे मनुष्यबळ हे कमी पडत आहे आणि म्हणून त्या संदर्भामध्ये निश्चित पॉझिटिव्ह विचार आपण या ठिकाणी करू। नाशिक जिले के निफाड में प्याज उत्पादक किसानों से मिलने हेतु पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री व विधायक बच्चू कड़ू को कुछ किसानों ने घेर कर एक बार फिर सवाल पूछा कि वे गद्दारों के साथ क्यों गए। दरअसल ये किसान विधायक बच्चू कड़ू से जानना चाह रहे थे कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे गुट का साथ क्यों दिया। इससे पहले भी इसी तरह का सवाल धाराशिव में विधायक बच्चू कड़ू से एक किसान ने पूछा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। निफाड निवासी प्याज उत्पादक किसानों की भावनाओं को सुनने के बाद विधायक बच्चू कड़ू ने एक बार फिर दोहराया कि उन्होंने अपने मतदाताओं और राज्य की सामान्य जनता के साथ कोई गद्दारी नहीं की और वे किसी भी नेता के साथ निष्ठा बनाए रखने हेतु बांधिल भी नहीं है। उनकी अपनी पार्टी और उन्हें शिवसेना, कांग्रेस या भाजपा वालों ने नहीं बल्कि सर्वसामान्य जनता ने चुनकर दिया है। ऐसे में उन्होंने सर्वसामान्य जनता की भलाई व विकास को ध्यान में रखते हुए पिछली सरकार से बाहर आने और शिंदे गुट का साथ देने का फैसला किया था। विधानमंडल के बजट अधिवेशन में तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर ने आदिवासियों को दिए जाने वाले खावटी कर्ज की रकम को बढ़ाए जाने की मांग उठाते हुए कहा कि खावटी कर्ज की रकम बेहद अत्यल्प है, साथ ही आदिवासियों के स्थानांतरण का मसला भी बेहद गंभीर है, अर्थात 2,000 रुपए के खावटी कर्ज को बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाना चाहिए, साथ ही स्थानांतरण को रोकने हेतु तत्काल उपाय भी किए जाने चाहिए। जिलाधीश कार्यालय में आज जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा तथा जिला विकास समन्वय व संनियंत्रण यानी दिशा समिति की बैठक हुई, जिसमें जिले की सांसद नवनीत राणा व राज्यसभा सांसद अनिल बुंडे सहित जिलाधीश पवनीत कौर व मनपायुक्त प्रवीण आष्टीकर प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस बैठक में दोनों महकमों के कामों की समीक्षा करने के साथ ही संबंधित महकमों के अधिकारियों को प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। प्रिफिट ट्रेवल्स को दिया गया सिटी बस का ठेका मनपा द्वारा रद्द किए जाने के बाद बस सेवा का ठेका नए ठेकेदार को देने के लिए शुरू की गई निविदा प्रक्रिया में गुरुवार 9 मार्च को अंतिम दिन कुल 3 निविदाएं दाखिल हुई थी, जिसके पश्चात टेक्निकल बिड खोली गई। वहीं देर शाम तक फाइनेंशियल बिड को खोलकर सिटी बस सेवा का ठेका नए ठेकेदार को आवंटित किया जाएगा, लेकिन विगत 8 दिनों से सिटी बस सेवा ठप रहने की वजह से नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मनपा द्वारा जोन निहाय साफ सफाई का ठेका देने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन इसका वर्तमान सफाई ठेकेदारों ने विरोध करते हुए हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल कर चुनौती दी है। आज इसे लेकर हाईकोर्ट में दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुना गया, जिसके बाद आज संदर्भ में हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं का युक्तिवाद सुना गया, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने मनपा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 18 वर्ष से कम आयु वाले जिन बच्चों के पिता की कोविड की बीमारी के चलते मौत हुई है, ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बाल कल्याण द्वितीय चरण नामक यह योजना महानगर पालिका के महिला व बाल कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही है। ऐसे में इस योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थी का अमरावती मनपा क्षेत्र परिसर निवासी रहना अनिवार्य है।
पंचांग तिथिनुसार महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आज शहर सहित जिले में बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है, जिसके तहत शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी द्वारा आज शहर में अलग अलग स्थानों से भव्य शोभा यात्राओं का आयोजन करने के साथ ही विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसके तहत महाजनपुरा के शिवाजी गेट परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का नूतनीकरण करने के साथ ही पुतले के आसपास किए गए सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज जी आज जयंती है, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर हिंदू हृदय सम्राट परम पूज्य बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पवित्र स्मृति विनम्र जयंती सर्वात प्रथम सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। इसके साथ ही पार्टी के महानगर प्रमुख पराग गुर्दे द्वारा आज शिव जयंती उत्सव निमित्त गांधी चौक से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ शाम 5 बजे हुआ। इसके अलावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी के महानगर प्रमुख संतोष बद्रे द्वारा आज शिव जयंती के अवसर पर बुधवारा परिसर के आजाद हिंद मंडल से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। सभी शोभा यात्राओं में ढोल पथक झांकियां डीजे संदल व डिंडियों का समावेश रहा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 17वें वर्धापन दिवस के अवसर पर पार्टी के शहराध्यक्ष गौरव बांते के नेतृत्व में नई बस्ती बडनेरा के सरकारी विश्राम गृह में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें क्षेत्र के कई युवाओं ने बड़ी संख्या में पार्टी में प्रवेश किया। इन दिनों साइबर अपराधी ठगबाजी करने के लिए नए नए ऑनलाइन फंडे अपना रहे हैं। लोगों को आर्थिक रूप से चूना लगाने के लिए साइबर अपराधियों ने मोबाइल पर बिजली बिल का संदेश भेजना शुरू किया है, अतः ऐसे किसी भी संदेश के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। इस आशय की जानकारी देते हुए अमरावती शहर की साइबर पुलिस द्वारा सभी शहरवासियों से आह्वान किया गया है कि वे ऐसे भ्रामक मैसेजों के जाल में न फंसे। अमरावती शहर के बडनेरा रोड स्थित सातुर्णा MIDC के प्रस्तावित मॉल के निर्माण पर MIDC आयुक्त द्वारा रोक लगाने के मामले में प्रशासन व सातुर्णा औद्योगिक संस्था के संचालक मंडल पर लगे आरोपों की जांच होने वाली है और दोषी पाए गए व्यक्तियों पर कार्रवाई करने की घोषणा उद्योग मंत्री उदय सामंत द्वारा कल विधानसभा में की गई, लेकिन सूत्रों का कहना है कि संस्था की आम सभा में सभी सदस्यों की मंजूरी से इस मल्टीप्लेक्स के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें संस्था के राजस्व को बढ़ाने हेतु 100 दुकान और कामगारों के लिए अस्पताल मिलने वाला था। इससे संस्था के राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती थी। रबी सीजन की फसल कटाई के एन वक्त पर बेमौसम बारिश के कारण किसानों का मुंह तक आया निवाला छीनने की नौबत आन पड़ी है। ऐसे में 14 से 16 मार्च के दौरान फिर एक बार अमरावती सहित समूचे विदर्भ में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना भी है, ऐसी जानकारी मौसम विशेषज्ञ अनिल बंडर द्वारा दी गई है। ऑल इंडिया राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प कर्मचारी संगठन की जिला शाखा द्वारा जिलाधीश पौनित कौर के जरिए केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना में काम करने वाले कर्मचारियों को सरकारी सेवा में समायोजित करने के साथ ही उन्हें सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए। लखनऊ में द ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन द्वारा अंध व दिव्यांगों के लिए पैरा जूडो राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें अमरावती के भीवापुरकर अंध विद्यालय के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर 1 सुवर्ण 2 रौप्य 4 कांस्य ऐसे कुल 7 पदक अपने नाम किए। विश्व महिला दिवस के अवसर पर पुलिस आयुक्तालय की ओर से सभी पुलिस थाने के काका दीदी पथक द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम व प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूल व महाविद्यालय के छात्र छात्राओं व महिलाओं ने हिस्सा लिया। बडनेरा शहर के लखड़गंज स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार साहब के नए दरबार में श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश व गुरुमत समागम का आयोजन आगामी 17 से 19 मार्च तक किया गया है। इस आयोजन की पूर्व तैयारी के लिए बुड्डी प्लॉट के गुरुद्वारा में नियोजन बैठक का आयोजन किया गया था। पर्यटन संचालनालय व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आगामी शनिवार 11 मार्च से 2 दिवसीय फगवा महोत्सव का आयोजन मेलघाट के धारणी तहसील के कोठा गाँव स्थित ज्ञानपीठ संपूर्ण बाम्बू केंद्र में किया गया है। सांसद नवनीत राणा के हाथों 11 मार्च को दोपहर 2 बजे इस महोत्सव का शुभारंभ होगा, साथ ही पूर्व राज्य मंत्री व विधायक बच्चू कड़ू की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा।
बुलढाणा के साखरखेड़ा में कक्षा 12वीं की परीक्षा दौरान गणित का पर्चा लीक हो जाने के मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए अमरावती संभागीय शिक्षा बोर्ड की अध्यक्ष नीलिमा टाके ने विगत दिनों साखरखेड़ा पहुंचकर कस्टोडियन सेंटर का मुआयना किया, साथ ही कुछ परीक्षा केंद्रों को भेंट भी दी। इसके अलावा उन्होंने इस मामले से संबंधित 4 शिक्षकों व कर्मचारियों को निलंबित करने का आदेश शिक्षा अधिकारी प्रकाश मुकुंद के जरिए संबंधित संस्था चालकों के नाम जारी किए। संभागीय शिक्षा बोर्ड की अध्यक्ष नीलिमा टाके द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक बुलढाणा के माध्यमिक शिक्षा अधिकारी प्रकाश मुकुंद ने एक आदेश जारी करते हुए कक्षा 12वीं के गणित विषय का पेपर लीक करने के मामले में फिलहाल पुलिस कस्टडी में रहने वाले 4 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसी बीच विशेष जांच दल ने एक और आरोपी को साखरखेड़ा पुलिस थाने के सिंदूरजन से गिरफ्तार किया, जिसके चलते इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 8 पर जा पहुंची है। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज MD ड्रग तस्करी के मामले को लेकर बेहद कठोर भूमिका अपनाते हुए साफ कर दिया कि अमरावती शहर में MD ड्रग का नामो निशान भी नहीं होना चाहिए और वे बिल्कुल भी नशाखोरी या नशे के कारोबार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस आयुक्त के नशाखोरों व नशीली दवाओं के खिलाफ अपनाए गए आक्रामक रवैये से अपराध शाखा भी एक्टिव मोड पर है। एक टीम लगातार ड्रग तस्करों को खोजने के काम पर लगी हुई है। गत रोज स्थानीय गड़गनगर पुलिस थाने में एक महिला की शिकायत पर संदीप बाजार सहित कुल 15 लोगों के खिलाफ रेलवे व सैन्य अभियंत्रिकी विभाग में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देते हुए करीब 50 लाख रुपए की ठगबाजी करने का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की सघन जांच हेतु मामले को आर्थिक अपराध शाखा के सुपुर्द कर दिया गया है। शहर पुलिस आयुक्त रेड्डी द्वारा इस संदर्भ में जारी किए गए आदेश के चलते अब इस मामले की जाँच आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की जाएगी। जिले में शांति व व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने महाराष्ट्र पुलिस कानून की धारा 37(1) व (3) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जो 22 मार्च की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के अकोला रोड वडूरा गांव के पास पुलिस के दस्ते ने गुप्त सूचना के आधार पर एक आयशर ट्रक पकड़ा और इस ट्रक में अवैध तरीके से गोवंश की खाल की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने 5,80,000 रुपए कीमत के ट्रक सहित करीब 400 किलो गोवंश की खाल को बरामद करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। धामनगर रेलवे के निकट समृद्धि महामार्ग पर आज सुबह 6 बजे एक ट्रक की भीषण दुर्घटना हुई और यह ट्रक समृद्धि महामार्ग के पुल से 15 फीट नीचे सीधे जमीन पर आ गिरा। इस हादसे में आशीष तिवारी नामक ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई, वहीं संतोष केवट नामक वाहक गंभीर रूप से घायल हुआ। विगत 27 फरवरी को चांदूरबाजार तहसील के सिरजगांव बंड में 13 वर्षीय विद्यार्थी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में मृत छात्र के पिता ने संबंधित शिक्षक के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने तहकीकात करने के बाद राहुल वानखेड़े नामक शिक्षक को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने व एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं के तहत नामजद किया है। बुलढाणा जिले के खामगांव में विवाह के एक दिन पहले हल्दी का कार्यक्रम निपटाने के लिए पहुंची नाबालिग युवती ने अपने प्रेमी के साथ फिनाइल घटक लिया और इसके बाद दोनों सीधे पुलिस थाने में पहुंच गए, जहां पर फिनाइल घटक कर पहुंची नाबालिग वधू ने बताया कि उसकी इच्छा के खिलाफ उसके माता पिता उसका विवाह करा रहे हैं। पड़दौड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सचिव कक्ष में गणेश चौधरी नामक व्यक्ति की हत्या हुई। इस मामले में नामजद तत्कालीन सरपंच के पति भास्कर चौधरी को अचलपुर जिला न्यायालय क्रमांक 2 के न्यायमूर्ति यादव की अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि आरोपी की पत्नी व तत्कालीन सरपंच विद्या चौधरी को संदेह का लाभ देते हुए बेइज्जत बरी किया। यवतमाल में विवाह का प्रलोभन देकर महाविद्यालयीन युवती पर अलग अलग जगह ले जाकर दुराचार किया गया। इस मामले में युवती के प्रेमी प्रफुल्ल भुले सहित उसके दोस्त संदीप कुरेकार को पांडरकोड़ा की अदालत ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई, वहीं 2 अन्य आरोपियों को संदेह के आधार पर बरी किया गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।